नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर साहिल कपूर है। मैं नाक कान गला विशेषज्ञ हूँ केके हेल्थ केयर सेंटर सेक्टर 5 गुड़गांव में। विश्व श्रवण दिवस वर्ल्ड हेयरिंग डे 3 मार्च को हम आपके लिए ला रहे हैं एक फ्री हेयरिंग चेकअप कैंप, जिसमें हम फ्री ईयर कंसल्टेशन, ईयर चेकअप ऑफर कर रहे हैं, फ्री हेयरिंग टेस्ट और हेयरिंग एड ट्रायल के लिए। वर्ल्ड हेयरिंग डे के अवसर पर मैं आपसे कुछ और बातें करना चाहूँगा। सबसे मेन पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, पूछते हैं कि सर हम अपनी हेयरिंग को, हम अपनी सुनाई को कैसे प्रिजर्व करें, कैसे बचा के रखें कि हमें बुढ़ापे में या ओल्ड एज में दिक्कत ना आए। इसमें कुछ टिप्स और ट्रिक्स रहती हैं, जिसमें से कुछ है जैसे कि लाउड साउंड्स से हमें बच के रहना है। ज़्यादा शोर शराबे वाले एरिया में अगर हम जा रहे हैं तो हमें ईयर प्लग्स का प्रयोग करना चाहिए या कॉटन लगा लीजिए कान में, ताकि ज़्यादा तेज़ आवाज़ से आप कान को बचा के रख सकें। दूसरा, जब भी आप हेडफोन्स का, ये स्पेशली टीनेजर्स के लिए है, यंग जनरेशन के लिए है हमारी, कि जब भी आप हेडफोन लगाएं कान में, ईयरफोन्स लगाएं, तो उसकी वॉल्यूम नॉर्मल से, मैक्सिमम कैपेसिटी से 60% रखें और इसको एक बार में 60 मिनट से ज़्यादा प्रयोग ना करें। ज़्यादा तेज़ वॉल्यूम ज़्यादा देर के लिए सुनने से कानों में इफ़ेक्ट पड़ता है, हमारे कान की नसें कमज़ोर होने का चांस बढ़ता है और कान के सेल्स भी डैमेज हो सकते हैं। नेक्स्ट, हमें ब्रेक्स लेनी चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा कॉल सेंटर्स में काम कर रहे हो या आपका काम ऐसा है कि आपको हेडफोन यूसेज ज़्यादा करना पड़ता है, तो आप बीच बीच में हर 40-45 मिनट्स में 5 मिनट की एक ब्रेक अफोर्ड कर सकते हो, और जैसे मैंने बताया वॉल्यूम कम से कम रखनी है। नेक्स्ट आता है हेल्दी लाइफस्टाइल, फ्रूट्स और एक्सरसाइज, हमारा न्यूट्रिशन पूरा करने के लिए। बेसिकली हमें अपने कान का न्यूट्रिशन भी और ओल और बॉडी का भी न्यूट्रिशन अच्छा रखना है, तो हमें फ्रूट्स वगैरह अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करने चाहिए, ज़्यादा खाने चाहिए और थोड़ा एक्सरसाइज, ताकि हमारे माइंड में ऑक्सीजन फ्रेश लेवल तक पहुँचे, तो कानों को न्यूट्रिशन अच्छे से मिले, इसलिए हम अच्छी न्यूट्रिशियस डाइट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है रेगुलर ईयर चेकअप्स, यानी कि हमें अपने कान का, अपने कान की हेयरिंग कैपेसिटी का चेकअप कराते रहना चाहिए। जैसे डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट लेते हैं हम लोग 6-7 महीने में, वैसे ईयर चेकअप 1-6 मंथ्स या 1 ईयर आप करा सकते हैं। इसमें कई कंपनीज़ हैं जो ईयरली चेकअप के लिए आपको प्रोत्साहन करती है, बाकी आप खुद से भी ये चीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट रहता है खुद से दवाई ना लें, डॉक्टर की प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस ही लें, और एक बार डॉक्टर से भी सलाह मशवरा करें कि ये कान में मेरे टॉक्सिसिटी तो नहीं करेगी। कई दवाइयाँ आती हैं जो हमारे कानों के लिए ओटोटॉक्सिक, यानी कि कान की नस और कान के अंदर के हेयरिंग सेल्स को डैमेज कर सकती हैं, तो हमें अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा करने के बाद ही ऐसी दवाइयाँ लेनी चाहिए। कि बहुत ज़रूरत है तभी लीजिए, नहीं तो नहीं लीजिए। खुद से लेंगे कान की नस डैमेज हो जाएगी, फिर आपको आगे दिक्कत आएगी। नेक्स्ट रहता है कि हमें अपने वार्निंग साइंस आइडेंटिफाई करने चाहिए, जैसे कान में साएं साएं की आवाज़, घंटी सी बजना, सुनाई कम देना, आपको मुंह आगे करके सुनना पड़े भैया क्या बोल गए, और समझ में नहीं आ रहा कोई क्या बोल गया, तो ये हमारे संकेत रहते हैं कान की तरफ से कि भैया कान की नसें आपकी कमज़ोर हो रही है। तो इसको थोड़ा आपको चेकअप रखना चाहिए, अपने कान की सुनो कि भैया वो साएं साएं की आवाज़ ऐसे ही किसी वजह से नहीं आ रही, कोई कारण रहा होगा जिसकी वजह से आ रही है, तो अपना एक चेकअप करें। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।